बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों सारे मेरे भैन भरावों नू। अल्लाह पाक हमेशा थानू खुश रखे, आबाद रखे, जेरे दुख तकलीफा अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तेरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां भर दे। आमीन सुमा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तू सारा चैनल देसी वीलो ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब कर लो, जरा बैल का बटन इनू प्रेस कर लो ताकि सारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम अरे 6:30 हो गया, राती भी किन्नी देर ध्यान ना खेलते रहे हैं, देखो मेरी अखा सुजिया हुई और कितने जा रही हैं, अदन खिला रही है ना तो कहता मैं चक। सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हाँ तो मैं हूँ पहले लैके आनी हाँ दुध, फिर आके और पहले आटा गुन लैनी क्योंकि शायद भाजी ने हले धार ना कटी हो, पहले आटा गुन दी, आटा गुन के फिर दुध लैन जानी हाँ। अदन पकड़ो भाई न, तू सिट देना इतने फर्श से ध्यान ना। तो मैं पहले गुन्ना आटा, आटा गुन के नाश्ता बनाना वा। देसी अंडे कल मैं मंगवाए थे 20 देसी अंडे, लेकिन मैनू इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो सब मैंने दसिया मैं क्या सी अंडे तो कहते मंगवाए हैं तो फ्रिज पे है। सब तो पहले मैं उछाणा आटा, बहुत अच्छा लग रहा वा। ज्ञान बाबू आया वा, ज्ञान बाबू बड़ा ही खुश आ, रात थक के सुते से बड़ी नींद आई है। मैंने फिक्र लगी से अगर अंडे ना हो तो मेहमानों को करना नाश्ता देना वो, लेकिन शुक्र अंडे मिल गया क्योंकि असि ब्रॉयलर के अंडे इन्ने पसंद नहीं करते। चलो जी आटा छान लिया, ये मंगनी है आटा, उस तो बाद दुध लैन जाऊंगी क्योंकि किस किस टाइम ना भाजी जरा ना लेट कर दे तार, अगर लाइट लाइट होना या हम भाजी ने पट्टे कुतर के पाने तो फिर कटने। तो मैं थोड़ा जो पाना में नमक क्योंकि फिर रोटी टुटती नहीं है। सोनी उठी है, बाय। आटा आटा गुन के रख लिया वा और छाबे भी मैं लिया और पानी भी लिया वा, तो दुध लैन गई थी भाजी हूँ घर नहीं है, अपने मोबाइल की कुछ सैटिंग वैटिंग कर रहे हैं। अदन बिटिया बाहर गई है, बर्तन धो के रखे आ, तो हम मैं जरा अंडे बनाने हैं। भाजी तुम कितने गए थे? फोन करन लग गया सी, मैं शायद मैं पानी डोल के फिर दिनी हां। हाँ बारिश का मौसम तो है तो खराब, अल मेरा भी रच लिया के फायदा। मैं तो क्या मैं भी शायद चाचू नहीं ठीक है गए उधर गए। अच्छा जी भाजी जरा ना गए दुध लैन, चाचू गए नाल के कल दे, तो मैं हूँ जरा ना प्याज काट लाँ, उन्हें फिर आटा भी सैट हो जाएगा, फिर दुध फिर च रख के फिर मैं जरा ना फ्रैश कोल रख के फिर नाल चाय बना लूँगी, ना रोटी पका लूँगी, जिन्हें पराठा खाना है पराठा पका दूंगी। बाकी सारे आवास पानी का चक लिया, कप लिया, पैन लिया वा, दुध पा लिया पैन च, मक्खन के पराठे अदन मान पका के देने, छाबे आटा और उन्हें प्याज, एक छोटा जहा टमाटर के दो हरियां मिर्चा और ये पाव हरा धनिया। अंडे की आवाज बनाने क्या लगी? अंडा प्याज इत सिक्के दा बूटा ते वाह बड़े ने दिए जड़ा थोड़ी जी हल्दी और लाल मिर्च
सारे अंडे बिल्कुल ठीक है, मिक्स कर लिए अच्छी तरह। जियान की कहंदा, जियान दिखाओ, जियान दिखाओ, जियान किचन च आया होया। जियान कहंदा मैं अंडे खाने। अंडे मिल जाएंगे जियान, जियान नु अंडे मिल जाएंगे। जियान कहंदा बैठे रहना। अच्छा जी, अंडे ये कौन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ। ਜਾਨ ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਦਨ ਤੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ। बदल झड़ होया बाजू। हाँ जी मम्मा को गया वा। बाय बाय, कितने चली मम्मा दिन लै गए। बाय, नीचे बैठो, नीचे बैठो बाजू, बिठाया कर सको, बच्चा फोलदा। इन हूँ भुख लगी है, इहदियां सेवियां पईयां जिहने खाना, तां जां रस भी पे, अगर इहनू खवाना तां जिहने खवानी इहनू खवा ला। चाय मैं बहला चुल्हा जाल दित्ता वा इधर, ते सवेरे सवेरे मेरा दुद्ध लैन गया, इहनू बाहर खेत फड़ाए आ, हुण इहनू भुख लग गई आ। निहार मूह ना, इहनू निमको खड़ा। हाँ मैं नाश्ता बनाते रही हूँ, ऐसे काके ने उन्हें तवा खिंचिया बाहर। अच्छा जी, इधर घी गर्म हो गया वा, इधर हम पाइए अंडे। जियान की करता है जियान, बाय बाय कर दे, बाहर चल ला, मैं बाय बाय कर दे। ना तवे नु छेड़ काका, ना तवे नु छेड़ा, दिन बाहर लै जा भाई नु, जोनी नु बाहर लै जा पाड़ो नु। फिक्का कप निकालना पैना वा। ठंडा ही है, ठंडा ही है तवा, तवा ठंडा ही, काला भी नहीं है, गैस पे रखी तवा। चको अपना बच्चा और बाहर ले जाओ, मैं नाश्ता बनाना वा। ए सवेरे सवेरे भैन लगी है खलौन निमको दे लता ना, अच्छा भी है कि यार। अच्छा जी, अंडा साडा हो गया तैयार। आज मैंने फुफो जी उन्हां दी याद आ रही है, बाजी मलका उन्हां दी, फुफो ने। हाँ जी, जियान जे जे मर्जी खावे, जियान नु किसे शह दी ना नहीं है, जे जे मर्जी खा लवे। अच्छा जी, अच्छा जैसे मर्जी खा लो, चाय तैयार है और रस थोड़ी ठहर के खा ले, हुण रोटी पकनी है, फिर बार बार रोटी नहीं पकनी मेरे पुत, हुण सिर्फ काके ने रस खाने, उस बाद चाय बन जाती है, रोटी फिर बार बार लंगर नहीं खुलता। अच्छा जी, चाय तैयार है, काके ने रस खिलाई, अंडे तैयार है, पहले थोड़े पराठे पका लवे दोनों दे, ठीक है। अच्छा जी, अदन उमर और भाई नसरुल्ला और चौधरी साहब उन्होंने पराठा खाधा, मैं और बाजी ने सुखी रोटी।